हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। और अभी जो है हम देख सकते हैं कि हम पीछे देख के पूरा समझ चुके हैं, हम हरिहरपुर जो कि मेला लगा हुआ है, सोनपुर मेला, उसमें हम आप लोगों को ले के चल रहे हैं और वहां का आप लोगों को रूबरू कराते हैं। और बता दें कि सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला है और ये बहुत दिनों तक रहने वाला मेला है। और इसलिए इसका लंबाई जो है बहुत दूर 15 किलोमीटर, अप्रोक्स 15 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा लंबाई ये मेला होता है और बहुत दिनों का होता है। तो चलिए, हम अभी तक इस मेले में कभी आए नहीं है और आप लोग शायद आए भी होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोग को लगता है ये मेला, कैसा आप लोग को लगता है ये मेला। और बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा है और आवाज़ थोड़ा सा ये मिसिंग हो रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और फिर चलते हैं आप लोग को लेके। और तो चलिए, हम अभी चलते हैं लेके आपको सोनपुर मेला में और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है और क्या कुछ है वहाँ पे। बउआ, सोनपुर का मेला किधर है जी? सोनपुर का मेला इधर से जाइए। हाँ, घूम जाइए। अच्छा, सीधे जाना पड़ेगा। बैल बैल बहुत दिखाई दे रहा है, का बैल यहाँ पे? आता है। मेला में ही बेचाएगा सब? हाँ, कोई कोई बिकाता है, कोई कोई जाता है। अच्छा, तो बहुत बड़ा मेला लगेगा का? यहाँ से कम उड़ने का नहीं देखे किधर किधर उड़िएगा, बस वहाँ पे देखिएगा फील्ड। अच्छा, उधर भी बहुत लगा है। हाँ, उधर मेला शुरू हो गया है। हाँ, आज उद्घाटन मेला का। कब है उद्घाटन? आज ही तो है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलिए, तो अभी हम आ चुके हैं सोनपुर मेला के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में जो कि यहाँ पे उद्घाटन वगैरह का प्रक्रिया किया जा रहा है। और चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि जैसे कि बताए थे कि आज सोनपुर मेला का उद्घाटन है, तो उस चीज़ का आज जो है कि यहाँ पे प्रक्रिया किया जा रहा है। और तो चलिए, इसको हम आपको रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट का ग्राम बनाया हुआ है और इसके अंदर जो है कि आर्ट वगैरह, ये क्राफ्ट वगैरह जो है कि बनाया जाता है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और अभी इसमें कोई अभी प्रक्रिया नहीं हो रही है क्योंकि अभी जो मेला है आज उद्घाटन है, इसके बाद ही जो भी क्रिया होगा 3-4 दिन के बाद अच्छा से मेला लगने वाला है। और देख सकते हैं, हम अभी आ चुके हैं अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट में और देख सकते हैं कि जितना भी दुकानें हैं अभी उतना अच्छा से नहीं लगा है, अभी लग रहा है। तो इसके बाद जो है कि आज उद्घाटन होने के बाद ही जो भी क्रिया होगा इसमें होने वाला है और 4 दिन के बाद एकदम अच्छा वाला धांसू जिसको बोला था उतना मेला लगने वाला है। और दोनों जी बताइए, आप सोनपुर मेला में आज फर्स्ट बार आपको लेके आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। क्या लग रहा है अभी? सारा अभी कुछ हुआ नहीं है फिर भी आपको लेके हम आए हुए हैं, बताइए। आपको गुस्सा तो आ रहा होगा? मतलब नहीं, गुस्सा वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छा लग ही रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि अभी सोनपुर मेला जो है कि पूरा तरह से खुला नहीं है और आज जो है इसका उद्घाटन है, पूर्णिमा है ना। उद्घाटन के बाद जो है कि इसका जो है आगे की ओर प्रोसेस प्रक्रिया लोग कर रहे हैं और
सबसे बड़ी चीज उद्घाटन हो जाने के बाद सारा काम जो है व्यवस्थित होने लगता है। सभी लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी दुकान को सजाने में और सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने दुकान को मॉडिफाइड करने में, ताकि लोग बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जो मेला है 15 से 20 दिन उससे ज़्यादा दिन का ही लग जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा उसके लिए डेकोरेट अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि एक दुकान कम से कम एक महीना तक अच्छा से चलाना होता है ना, क्या नहीं। तो चलिए हम अभी आप लोगों को दिखाते रहते हैं कि अभी सोनपुर मेला में है क्या, क्योंकि अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये शुरुआत है मात्र, क्योंकि जो इसका सेकेंड वीडियो जो आने वाला है ये कुछ दिनों के बाद आएगा, इसलिए क्योंकि आप लोग के लिए भी एक चैलेंज रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा मैं भाई, ताकि हम लोग इतना दूर से आए हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाए, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग को थोड़ा सा कुछ चाहिए, आप लोग से कुछ नहीं चाहिए मात्र थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो क्या चाहिए मैं भाई? तो इसका जो सेकेंड वीडियो है वो पूरा एकदम बारीकी से आप लोग को दिखाएंगे, पूरा बढ़िया से जब मेला लग जाएगा तब ला के दिखाएंगे। तो आप लोग का चैलेंज ये है कि आप इस वाले वीडियो पे, ठीक है, इस वाले वीडियो पे आप लोग कम से कम 1000 व्यूज और 200 प्लस लाइक, 1000 प्लस व्यूज और 200 प्लस लाइक, ये आप लोग के लिए चैलेंज है, इसे आप पूरा कीजिए और सेकंड वीडियो आप लोगों की खिदमत में हम लोग पेश करेंगे। तो गाइस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारे लिए इतना कीजिए और हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही अच्छी अच्छी जगहों का और नई नई जगहों का वीडियो लाते रहेंगे और आपको घर बैठे इंजॉय करवाते रहेंगे। चलिए तो अभी आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि और क्या क्या इस मेला में है और क्या क्या लगने वाला है। देख सकते हैं ये जो है सोनपुर मेला का सबसे प्रसिद्ध चीज और इसको लोग बेसब्री से देखने के लिए आते हैं, तो ये है क्या, ये थिएटर है और ये भी जल्द ही चालू होने वाला है। यदि आप लोगों को ये सारा चीज़ का मज़ा लेना है, लुत्फ़ उठाना है, तो आप लोग जो चैलेंज हम लोग किए हैं उसको आप लोग पूरा कीजिए और आप लोग को। तो अभी हम लोग बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे मिल चुके हैं पटना से ही और इन लोगों से थोड़ा मुलाकात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब, सोनपुर मेला में कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत सारे ब्लॉगर है देख सकते हैं और ये लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं और इन लोग का भी अपना अपना एक चैनल है, जो कि सभी लोग एक साथ आए हुए हैं, अभी अभी आ रहे हैं। नहीं हम लोग आए हैं आधा घंटा, क्या इरादा है इसके बाद फिर आने का? एक बार हाँ जरूर एक बार आएंगे, भीड़ देखने के लिए तो आना ही है। एक बार नहीं दो तीन बार है, आपका वीडियो रुक रुक जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे एकजुट हैं, कब फिर आना है दोबारा यहाँ पे? हम लोग हो सकता है तो कल ही आए फिर से, गाय की भीड़ 15 के बीच में हम लोग आने वाले हैं, तो 15 के बीच में आएंगे तो काफी भीड़ भी हो जाएगा, बहुत सारी सजावट अभी नहीं हुआ है, तो सारी चीजें भी आपको सजावट हो जाएगी तो देखने में एंजॉय आएगा, अभी तो बहुत सारा चीज बाकी भी है। तो चलिए अभी फिर आपसे आगे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या के मेला क्या क्या कुछ लगा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग अपने भाई हैं और इन लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। सभी लोग पटना के हैं और ये मेरे गांव के हैं जो कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते नहीं। बहुत बड़ा ये गलत बात है, जब गांव का होकर सपोर्ट नहीं बिल्कुल करते नहीं। हम लोग पटना बिल्कुल से होकर भी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, भाई बुला लेते हैं। आप देखिए कैमरा के सामने सब करता है, कब हम ये चीज करेंगे, लेकिन बैक जब कैमरा के पीछे नहीं करता है तो आनंद जानते ही नहीं। हां जितने से भी भूल जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप छोटे-छोटे भाई लोगों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये तो हम लोग अभी चलते हैं भाई लोगों से तो देख ले मिल ही लिए, तो चलिए ठीक है भैया चलते हैं हम लोग। आर्यन भी है हमारे, आर्यन भी है और क्या चैनल है आपका? आर्यन व्लॉग के नाम, आर्यन व्लॉग के नाम पे भैया आप लोग जानते ही हो। और ये भैया हैं, चलिए भैया ठीक है चलते हैं। आपका क्या व्लॉग है? कुंदन महुआ सिटी के नाम, कुंदन महुआ सिटी, महुआ सिटी, ठीक है भैया चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोल रही अपना नाम और मेरा वाईडी आर्यन करके चैनल है, वाईडी आर्यन व्लॉग करके सपोर्ट करिए और भैया अब हमेशा ये भैया मिलते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल हम लोग अब सब लोग ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप बन गया है। चलिए ठीक है, क्या नाम होगा अपना बता दीजिए? भाई अभिषेक व्लॉग्स, आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कीजिए। हम लोग तो पहले भी मिले हैं और राजवीर व्लॉग हैं और इनको तो पहचानते हैं, भूल गए होंगे तो बिना सपोर्ट यार आ रहे हैं, बिना सपोर्टर यार। और चलते हैं फिर, ठीक है भैया चलते हैं, ठीक है तो आगे चलते हैं।
घोड़ा के मेला में, और सोनपुर में, सोनपुर में जो है कि सब लोग जानते हैं कि घोड़ा वगैरह हर एक चीज़ का मेला लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ जो कैमरा मूव कर रहा है तो चारों तरफ देख सकते हैं कि घोड़ा का मेला लगा हुआ है। और मेला कब से लग रहा है? आज से चालू है। ये आपका घोड़ा है? अच्छा आपका, अच्छा उधर है। और देख सकते हैं ये भैया घोड़ा वगैरह है। और कल से, आज से जो है कि इसका जो मेला है स्टार्ट हो चुका है। और ये भैया का घोड़ा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और देख सकते हैं क्या नाम होगा अंकल जी इसका? राजा। इस घोड़े का नाम राजा है। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है, और व्हाइट कलर है तो सुंदर तो लगेगा ही। अच्छा भी आप लोग कहाँ के हैं? पटना के ही रहने। आप ही लोग हैं घोड़ा, मतलब हवाई जो भी है वो आपका है। और ये क्या इसका मतलब प्राइस वगैरह क्या है? 1 दस। और ये मतलब कि कल से स्टार्ट, आज से स्टार्ट, आज से स्टार्ट, और कितना दिन तक रहेगा ये? मैं 1 महीने तक रहता। 1 महीना? इससे ज़्यादा भीड़ हो सकता है या इससे ज़्यादा भीड़? इससे ज़्यादा भीड़। आज तो उद्घाटन है, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है मेले में, और उतना ज़्यादा मतलब कि लोग नहीं आए हुए हैं, और उतना ज़्यादा दुकान भी नहीं है। तो मतलब कि जैसे जैसे क्राउड आते रहेगा उसे से मेला भी, मतलब कि कल से परसों से ज़्यादा क्राउड हो जाएगा यहाँ, यही ना? चलिए, तो क्या नाम होगा अभी आपका? मेरा चंदन। चंदन भैया से ये मुलाकात हुआ, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। और देख सकते हैं कि ये मेला जो है पूरा घोड़े का ही मेला है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ का मेला लगता है भैया? कहाँ पे ये सब, कहाँ होगा मेला ये सब? ये सब कहाँ होगा, कहाँ पे मिलेगा ये सब? चिड़िया उधर में। अच्छा उस साइड में। चलिए अभी हम, तो चलिए हम अभी चलते हैं उधर, और फिर आप लोगों से मुलाकात कराते हैं। अब डॉग चिड़िया कुत्ता जितना भी है सारी चीज़ से आप लोगों को मुलाकात कराते हैं। देख सकते हैं कि इधर बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था अच्छा किया जा रहा है ताकि आज से जो मेला है इसका खूबसूरती बढ़ सके। देख सकते हैं ये भाई लोग हमसे मिले, हाय कर दीजिए। कौन सा चैलेंज है? प्रभात। और क्या नाम होगा, कहाँ से हैं आप लोग? कैसा लग रहा है इस बार का मेला? जो है कि देख सकते हैं कि 3 साल के बाद इस बार मेला लग रहा है। कोविड की वजह से तो मेला लग नहीं रहा था, तो कैसा लग रहा है इस बार सोच के? उतना क्राउड ज़्यादा नहीं है, फिर भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। आज उद्घाटन है तो अच्छा लग, कैसा लग रहा है आप लोगों को पहले ये बताइए। क्या नाम होगा आपका भैया? और आपका, आपका नाम बोलिए अपना अपना। चलिए एक बार जोर से हाय कहिए तो। चलिए ठीक है, तो घूमिए और फिर मिलते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग जो है कि वीडियो में आ चुके हैं, और आप लोग तो घोड़े का मेला जो है कि सजाया जा रहा है, और थोड़ा सा डर के क्यों लोग इसके पीछे से जाने पर थोड़ा सा डर लगता है, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं उधर बैल का मेला लगा हुआ है। ये पूरा गांव है यहाँ का सोनपुर का। चलिए तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जितना भी हो सका आप लोगों को हम लोग दिखा दिए हैं, मात्र अभी मेला का 5% ही हम आप लोगों को दिखा पाए हैं। और जैसा कि आप सेकेंड वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वीडियो भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अनुज भाई बोले थे कि इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज और कम से कम 200 सब्सक्राइबर चाहिए।
200 प्लस लाइक, और बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेला घूम चुके हैं या मेला के बारे में जो भी जानते हैं या और कहीं पे आप घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और ये आप लोगों को एक टास्क दिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस वीडियो पे 1000 प्लस व्यू, ये आपका फ़र्ज है, और 200 प्लस लाइक दिलवाइए। और अगला हम लोग पार्ट टू जो है सोनपुर मेला का पूरा 100% एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जब हम लोग इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग को भी फ़र्ज बनता है कि इतना आप लोग कीजिए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। चलिए ठीक है, बाय बाय।